एक बहुत बड़ा सा तालाब था, तालाब जानते हो ना, पॉन्ड। एक बहुत बड़ा तालाब था और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा घना सा पेड़ था। तालाब में मगरमच्छ रहता था और पेड़ पे एक छोटा सा बंदर, बहुत प्यारा सा बंदर रहता था। अब जो बंदर था ना, वो पेड़ था गुल्लर का, और वो वहां से मीठे मीठे फल तोड़ता था और खाता रहता था, और कभी कभी एक आध फल नीचे गिर जाता था। तो वो मगरमच्छ जो तालाब में रहता था वो भी बाहर आता और वो फल खाता। अब बंदर ने देखा कि अरे मगरमच्छ फल खाता है, तो उसने तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू कर दिया। अब वो ऊपर से फल फेंकता और मगरमच्छ खुशी खुशी खाने लगा। अब दोनों एक दूसरे को देखते खुश होते, फल खाते, ऐसे करते करते दोनों में दोस्ती हो गई। और रोज यही सिलसिला चलता रहा। रोज के रोज मगरमच्छ आता रहा, रोज बंदर खेलता, फल फेंकता, खिलाता, खाता, खुशी खुशी दोनों रहते थे। एक दिन मगरमच्छ ने कहा कि भैया मैं तो शादीशुदा हूं, तुम तो अभी बच्चे हो, मेरी तो पत्नी भी है घर में। तो बंदर ने कहा, अरे मगरमच्छ चाचा, आपकी पत्नी है तो आप अपनी पत्नी के लिए भी फल ले जाओ ना थोड़े से। तो उसने क्या किया, ढेर सारे गुल्लर नीचे फेंक दिए। और मगरमच्छ बड़ा खुश हुआ कि तुम कितने अच्छे हो, कितना सोचते हो मेरे बारे में, लाओ लाओ मैं फल लेके जाता हूँ। अब वो फल लेके अपने घर चला गया। अब मगरमच्छ की पत्नी ने खाए वो फल, मीठे मीठे फल उसको बड़े अच्छे लगे। फिर मगरमच्छ रोज घर जाने लगा और रोज पत्नी के लिए फल ले जाने लगा। अब एक दिन ना पत्नी को पता नहीं क्या लालच आया, उसने सोचा कि इतना छोटा सा बंदर है और वो रोज इतने मीठे मीठे फल खाता है, तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा, मुझे तो उसका कलेजा खाना चाहिए। तो उसने मगरमच्छ से कहा कि मुझे ना वो बंदर का कलेजा खाना है, तुम बंदर को लेके आओ। तो मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को समझाया, नहीं नहीं देखो, वो हमारा दोस्त है, हमारे बारे में इतना सोचता है, तुम्हारे बारे में भी सोचा, उसी ने तो कहा तुम्हारे लिए फल लाने के लिए, तभी तो मैं लाया। लेकिन पत्नी जो थी वो अकड़ गई, कहती नहीं मुझे तो बंदर का कलेजा खाना है, तुम बंदर ला के दो। अब बेचारा मगरमच्छ क्या करता, उसने कहा ठीक है पत्नी जी, तुम कहती हो तो तुम्हारी बात मानता हूँ। और वो चला गया। अब बड़े उदास मन से वो सोचता जा रहा था, क्या करूँगा, कैसे कहूँगा अपने दोस्त से। लेकिन वो गया और उसको बोला बंदर को कि अरे बंदर भैया, तुम कितने अच्छे हो, रोज हमको फल खिलाते हो, तो तुम क्यों ना आज हमारे घर चलो, और मेरी पत्नी ने तुम्हें बुलाया है घर पे। अब बंदर जो था छोटा सा चंचल बंदर, उसने सोचा ही नहीं कि क्यों बुलाया, उसने कहा हाँ हाँ जरूर चलूंगा मैं तुम्हारे घर पे, पर चलूंगा कैसे, मुझे तो तैरना नहीं आता है। तो मगरमच्छ ने कहा एक काम करो, तुम ना मेरी पीठ पे बैठ जाओ और मैं तुमको अपने घर ले चलूंगा। तो बंदर बड़ा खुश हो गया, उसने ढेर सारे फल तोड़े और ऐसे लाद लिया और मगरमच्छ की पीठ पे बैठ गया। अगर मगरमच्छ चलता जा रहा था और सोचता जा रहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, बड़ी गलत बात है, ये तो ये है वो है, करते करते बीच नदी में पहुंच गया। और बीच नदी में पहुंचने के बाद उसने सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात बंदर को बता दी। बंदर भैया बुरा मत मानना, पर मैं क्या करता, मेरी पत्नी ने कहा था कि बंदर का कलेजा खाना है, इसलिए मैं तुम्हें घर पे ले जा रहा हूँ, कोई दावत वावत देने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ। अब बंदर बेचारा पछताया और सोचने लगा मैं क्या करूँ, अब तो बीच नदी में आ गया, मैं कूद भी नहीं सकता, तैर भी नहीं सकता, मैं क्या करूं। तो उसने ना झट से दिमाग लगाया, उसने कहा अरे मगर चाचा, पर ये आपने क्या किया, मुझे पहले बताया होता तो मैं अपना कलेजा साथ में लेके आता ना, मैं अपना कलेजा तो वहीं पेड़ पे छोड़ाया। चलो चलो अपन वापस कलेजा लेके आते हैं, और भाभी को कलेजा खाना है तो उनको कलेजा खिलाएंगे ना। तो मगरमच्छ ने कहा हाँ हाँ चलो चलो। तो वो वापस मुड़ा और पेड़ के पास पहुंच गया, बंदर फटाक से कूदा और पेड़ की डाली पे चढ़ गया। और बंदर ने कहा अरे मगरमच्छ चाचा, आप भी निरे बुद्धू हो, कोई कलेजा अलग निकाल के रखता है क्या, कलेजा तो मेरे अंदर ही था, मैंने तो अपनी जान बचानी थी तो बचा ली। इससे हमें क्या शिक्षाएं मिलती है, इससे हमें दो शिक्षाएं मिलती है। पहली तो ये कि अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जैसे मगरमच्छ ने नहीं बोला और वो खुशी खुशी उसको देखने लगा। और दूसरी ये कि कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, लेकिन अपने दिमाग का संतुलन नहीं खोना चाहिए, और दिमाग से काम लेते हुए अपने आप को उस मुसीबत से बाहर निकाल लेना चाहिए, है ना।